नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम NCERT हिस्ट्री क्लास 11th के चैप्टर 11 आधुनिकीकरण के रास्ते को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जो मुख्य पॉइंट्स बनते हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे, जो कि सभी एग्जाम्स में महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, जापान ने ताइवान को 1895 और कोरिया 1910 को अपने मिलाते हुए एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने में सफल रहा। तो कहते हैं दोस्तों, जापान ने 1895 में ताइवान को और कोरिया को 1910 में हराया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसने अपनी संस्कृति और अपने आदर्शों की स्रोत भूमि चीन को 1894 में हराया और 1905 में रूस जैसे यूरोपीय शक्ति को परास्त करने में कामयाब रहा। नेक्स्ट है दोस्तों, जापान, आइए जापान के भूगोल को देखते हैं। जापान एक द्वीपीय श्रृंखला है जिसमें चार बड़े द्वीप हैं, होंशु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइडो। ओकिनावा द्वीपों की एक श्रृंखला सबसे दक्षिण में है, लगभग बहामास वाले ही अक्षांश पर। मुख्य द्वीपों की 50% से अधिक जमीन पहाड़ी है। जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र में है। नेक्स्ट है दोस्तों, जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है, चावल बुनियादी फसल है और मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। कच्ची मछली साशिमी या सुशी अब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई है क्योंकि इसे बहुत सेहतमंद माना जाता है। जापान की राजनीतिक व्यवस्था, तो जापान पर क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था। 12वीं शताब्दी तक आते आते असली सत्ता सोगुनों के हाथ में आ गई, जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे। 1867 तक तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर कायम रहे। देश को तो उन्होंने क्या किया, शोगुनों ने देश को 250 भागों में विभाजित कर दिया, जिनका शासन देमो चलाते थे। शोगुन देमो पर नियंत्रण रखते थे। शोगुन देमो को लंबे अरसे के लिए राजधानी एदो, ये टोक्यो का प्राचीन नाम था एदो, तो एदो में रहने का आदेश देते थे ताकि उनकी तरफ से कोई खतरा ना हो। शोगुन प्रमुख शहरों और खदानों पर नियंत्रण रखते थे। समुराई, ये समुराई योद्धा वर्ग थे जैसे कि नाइट यूरोप में होते थे मध्यकाल में। तो समुराई शासन करने वाले कुलीन थे और वे शोगुन तथा देमो की सेवा में थे। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में एदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया था। छपाई लकड़ी के ब्लॉकों से की जाती थी। जापानी लोग यूरोपीय छपाई को पसंद नहीं करते थे। जापान को एक अमीर देश समझा जाता था क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से विलासी वस्तुएं आयात करता था। इन आयातों के लिए चांदी और सोने में कीमत अदा करने से अर्थव्यवस्था पर भारी जो भार है वह जरूरत से ज़्यादा पड़ गया, जिसकी वजह से तोकुगावा ने कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी। क्योटो के निशिजन का रेशम दुनिया भर में बेहतरीन रेशम माना जाता था। 1867 से 1868 में मेजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त हो किया गया। मेजी वंश की पुनर्स्थापना ही, तो मेजी वंश की पुनर्स्थापना कब हुई, 1867-68 में। 1853 में अमेरिका ने कोमोडोर मैथ्यू पेरी को 1853 में कहाँ भेजा, जापान भेजा था। किस लिए, जापानी सरकार से कैसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग के साथ भेजा, जिसमें जापान ने अमेरिका के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध बनाए। जापान ने अगले साल 1854 में एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए, जापान चीन के रास्ते में था और अमेरिका चीन में एक बड़ा बाजार दिखता था। इसके अलावा अमेरिका को प्रशांत महासागर में अपने बेड़ों के लिए ईंधन लेने के लिए जगह चाहिए थी। उस समय केवल एक ही पश्चिमी देश जापान के साथ व्यापार करता था, वह था होलैंड। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 1868 में एक आंदोलन के द्वारा शोगुनों को जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया और सम्राट मेजी को एदो लाया गया। एदो को राजधानी बना दिया गया और इसका नाम हुआ टोक्यो, जिसका मतलब होता है पूर्वी राजधानी। जापानी सरकार ने फुकोकू के ओहो समृद्ध देश मजबूत सेना किनारे के साथ नई नीति का ऐलान किया। उन्होंने यह समझ लिया था कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था का विकास और मजबूत सेना का निर्माण करने की जरूरत है।
1870 के दशक से नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण शुरू हुआ। लड़के लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया और 1910 तक करीबन ऐसी स्थिति आ गई कि स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं रहा। पढ़ाई की फीस बहुत कम थी, पाठ्यचर्या पश्चिमी नमूनों पर आधारित थी। जापानी भाषा, जापानी भाषा एक साथ तीन लिपियों का प्रयोग करती है, इनमें से कांजी जापानियों ने चीनियों से छठी शताब्दी में ली थी। क्योंकि उनकी भाषा चीनी भाषा से बहुत अलग है, उन्होंने दो ध्वन्यात्मक वर्णमालाओं का विकास भी किया, हिरागाना और काताकाना। हिरागाना नारी सुलभ समझी जाती है क्योंकि हेयान काल में बहुत सी लेखिकाएं इसका इस्तेमाल करती थी, जैसे कि मुरासाकी। तो यह चीनी चित्रात्मक चिन्हों और ध्वन्यात्मक अक्षरों को मिलाकर लिखी जाती है। क्या जापानी भाषा शब्द का प्रमुख भाग कांजी के चिन्ह से लिखा जाता है और बाकी का हिरागाना में। तो जापान की अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, कृषि पर नए कर लगाकर धन इकट्ठा किया गया। जापान की पहली रेल लाइन 1872 में टोक्यो और योकोहामा के बीच चलाई गई। वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें यूरोप से आयात की गई। मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया, साथ ही जापानी विश्वविद्यालय और स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा गया। जापानी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा गया। 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ हुआ। मित्सुबिशी और सुमितोमो जैसी कंपनियों को सब्सिडी और करों में फायदे के जरिए प्रमुख जहाज निर्माता बनने में मदद मिली। इससे जापानी व्यापार जापानी जहाजों से होने लगा। जयबात्सु बड़ी व्यापारिक संस्थाएं जिन पर विशिष्ट परिवारों का नियंत्रण था का प्रभुत्व दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अर्थव्यवस्था पर बना रहा। 1872 में जनसंख्या 3.5 करोड़ थी जो 1920 में 5.5 करोड़ हो गई। जनसंख्या को कम करने के लिए सरकार ने प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। पहले उत्तरी टापू होकाइडो ने की ओर से और फिर काफ़ी हद तक स्वतंत्र इलाका था और जहां आइनू कहे जाने वाले देसी लोग रहते थे। फिर हवाई और ब्राजील जापान के बढ़ते हुए औपनिवेशिक साम्राज्य की तरफ। उद्योग के विकास के साथ लोग शहरों में आए। 1925 तक 21% जनता शहरों में निवास करती थी, 1935 तक यह बढ़कर 32% हो गई। जापान में 1886 में आधुनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। 1886 में पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन किया गया महिलाओं के द्वारा। 1900 के बाद कारखानों में पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी। इससे पहले महिलाएं ज़्यादा होती थी, लेकिन 1930 के दशक में आकर ही पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक हुई। जापान में राष्ट्रवाद, मेजी संविधान सीमित अधिकार पर आधारित था। सभी को सार्वभौमिक मताधिकार नहीं दिया गया था और उसने डाइट जो वहाँ की संसद होती है तो उन्होंने डाइट बनाई जिसके अधिकार सीमित थे। जापानियों ने संसद के लिए इस जर्मन शब्द का इस्तेमाल किया, तो जो डाइट है वो जर्मन शब्द है क्योंकि उनकी कानूनी सोच जर्मन की सोच से प्रभावित थी। शाही पुनर्स्थापना करने वाले नेता सत्ता में बने रहे और उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का गठन किया। 1918-1931 के दरमियान जनता जनमत से चुने गए प्रधानमंत्रियों ने मंत्री परिषद बनाए। इसके बाद उन्होंने पार्टियों का भेद भुलाकर बनाई गई राष्ट्रीय एकता मंत्रिपरिषदों के हाथों अपनी सत्ता खो दी। सम्राट सैन्य बलों का कमांडर होता था। इंपॉर्टेंट, 1890 से ये माना जाने लगा कि थल सेना नौसेना का नियंत्रण स्वतंत्र है। 1899 में प्रधानमंत्री ने आदेश दिया कि केवल सेवारत जनरल और एडमिरल ही मंत्री बन सकते हैं। पश्चिमीकरण और परंपरा, फुकुजावा युकिची मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक थे। उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यानी जापान को अपने एशियाई लक्षण छोड़ देने चाहिए और पश्चिम का हिस्सा बन जाना चाहिए, पश्चिम लक्षणों को अपनाना चाहिए। फुकुजावा युकिची के बारे में पढ़ते हैं। 1835 और 1901 तक इनका जीवन काल रहा। इनका जन्म एक गरीब समुराई परिवार में हुआ। इनकी शिक्षा नागासाकी और ओसाका में हुई। इन्होंने डच और पश्चिमी विज्ञान पढ़ा और बाद में अंग्रेजी भी। 1860 में वे अमेरिका में पहले जापानी दूतावास में अनुवादक के रूप में गए। इससे उन्हें पश्चिमी पर किताबें लिखने के लिए बहुत कुछ मिला। उन्होंने अपने विचार क्लासिकी नहीं बल्कि बोलने चालने के अंदाज में लिखे। यह किताब बहुत ही लोकप्रिय हुई।
इन्होंने एक शिक्षा संस्थान स्थापित किया जो आज के केओ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। वे मिराकुशा संस्था के प्रमुख सदस्यों में से थे। ये संस्था पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करती थी। अपनी एक किताब ज्ञान के लिए प्रोत्साहन में उन्होंने जापानी ज्ञान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, जापान के पास प्राकृतिक दृश्यों के अलावा गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है आपको। उन्होंने आधुनिक कारखानों व संस्थाओं के अलावा पश्चिम के सांस्कृतिक सार्थव को भी बढ़ावा दिया जो कि उनके मुताबिक सभ्यता की आत्मा है, उसके जरिए एक नया नागरिक बनाया जा सकेगा। इनका सिद्धांत था, स्वर्ग से इंसान को इंसान के ऊपर नहीं बनाया, स्वर्ग ने इंसान को इंसान के ऊपर नहीं बनाया, न ही इंसान को इंसान के नीचे। दूसरे जो विद्वान थे वो थे मियाके सेत्सुरे ने तर्क पेश किया कि विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए, अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना, अपने को विश्व को समर्पित करना है। संवैधानिक सरकार की मांग करने वाले जनवादी अधिकारों के आंदोलन के नेता वुएकी अमोरी फ्रांसीसी क्रांति में मानव के प्राकृतिक अधिकारों और जनप्रभुसत्ता के सिद्धांत के प्रशंसक थे। वे उदारवादी शिक्षा के पक्ष में थे जो प्रत्येक व्यक्ति को विकसित कर सके। व्यवस्था से ज्यादा कीमती चीज है आजादी, ये उनके वर्ड थे। कुछ दूसरे लोगों ने तो महिलाओं के मताधिकार की भी सिफारिश की। इस दबाव ने सरकार को संविधान की घोषणा करने पर बाध्य किया। कार क्लब, तो मोगा क्या होता है? आधुनिक लड़की के लिए संक्षिप्त शब्द। टोक्यो में गिंजा गिनबुरा के लिए एक फैशनेबल इलाका बन गया। गिनबुरा शब्द गिंजा और बुरबुरा से मिलकर बनाया गया है। बुरबुरा का अर्थ है बिना किसी लक्ष्य के घूमना। 1925 में पहला रेडियो स्टेशन खोला गया जापान में। सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद को 1930-40 के दौरान बढ़ावा मिला जब जापान ने चीन और एशिया में अपने उपनिवेश बढ़ाने के लिए लड़ाइयां छेड़ी। ये लड़ाइयां दूसरे विश्व युद्ध में जाकर मिल गई जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। और इसी हमले के जवाब में अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। दर्शन शास्त्री निशी तानिके जी ने आधुनिक को तीन पश्चिमी धाराओं के मिलन और एकता से प्रभावित किया, पुनर्जागरण, प्रोटेस्ट, सुधार और प्राकृतिक विज्ञानों का विकास। उन्होंने कहा कि जापान की नैतिक ऊर्जा यह सब जर्मन दर्शन शास्त्री रांके से लिया है, तो ने उसे एक उपनिवेश बनाने से बचा लिया। जापान का फर्ज बनता है कि नई विश्व पद्धति एक विशाल पूर्वी एशिया के निर्माण का, इसके लिए एक नई सोच की जरूरत है जो विज्ञान और धर्म को जोड़ सके। अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रथम विश्व युद्ध के बाद जापान पर अमेरिका का जो कहे कब्जा हो गया था, तो ये दौरा ये जो समय था वो 1945 से 1947 के दौरान का था। तो जापान का विशेषणीकरण कर दिया गया था अमेरिका के द्वारा और एक नया संविधान लागू किया गया। इसके अनुच्छेद 9 के तथाकथित युद्ध न करने के वाक्यांश के अनुसार युद्ध का राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल वर्जित है। राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित किया गया और जंग के बाद पहले चुनाव 1946 में हुए। इसमें पहली बार महिलाओं ने भी मतदान किया। अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया है। 1964 में टोक्यो में हुए ओलंपिक खेल जापानी अर्थव्यवस्था की परिपक्वता के प्रतीक बनकर सामने आए। इसी तरह तेज गति वाली शिंकानसेन यानी बुलेट ट्रेन का जाल 1964 में शुरू हुआ जब जापान में ओलंपिक खेल शुरू होते हैं। इस पर रेलगाड़ियां जो बुलेट ट्रेन की जो गाड़ियां थी वो 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती थी और भारत में तो आज तक भी नहीं चली है। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं चीन के बारे में। तो 1949 में चीनी साम्यवादी पार्टी ने ग्रही दो में जीत हासिल की, लेकिन 1970 के दशक के आखिरी तक चीनी नेताओं को लगने लगा कि देश की विचारधारात्मक व्यवस्था उसकी आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधा डाल रही है। इस वजह से अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए। यद्यपि इससे पूंजीवाद और मुक्त बाजार की वापसी हुई, तथापि साम्यवादी दल का राजनीतिक नियंत्रण अब भी बरकरार रहा। सीमा चीन 145 से 90 ईसा पूर्व को प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार माना जाता है।
इटली के मार्को पोलो जो चीन में 1274 से 1290 तक रहे, तो उन्होंने भी चीन के इतिहास के बारे में कुछ लिखा है। चीन की प्रमुख तीन नदियां हैं पिली नदी, हुआंग हे, यांगसी नदी, छांगजियांग, और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी है, और तीसरी नदी है यहाँ पर नदी। हान सबसे प्रमुख जातीय समूह है चीन में, प्रमुख भाषा है चीनी पोतुंग हुआ, लेकिन कई और राष्ट्रीयताएं भी वहां पर हैं, जैसे कि उइघुर, हुई, मानचोर, तिब्बती, कैंटनीज, कैंटन की बोली उए और संघाईनीज जैसी बोलियों के अलावा कई अल्पसंख्यक भाषाएं भी बोली जाती हैं। विदेश में रहने वाले ज्यादातर चीनी कैंटन प्रांत से आते हैं। जाना माना डिम सिम शाब्दिक अर्थ है दिल को छूना, यहीं का खाना है जो गूंथे आटे को सब्जी आदि भरकर उबालकर बनाए गए व्यंजन जैसा है। आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं सदी 17वीं सदी में पश्चिमी के साथ उसका पहला सामना होने के समय से मानी जाती है। जब पश्चिम के साथ उनका सामना होता है तब से चीन में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। जबकि जेसुइट मिशनरियों ने खगोल विद्या और गणित जैसी पश्चिमी विज्ञानों को वहां पहुंचाया। पहला अफीम युद्ध 1839 से 1842 के दौरान हुआ। इसने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमजोर कर दिया और सुधार तथा बदलाव की मांग को मजबूती दी। अफीम के युद्ध के बारे में जानते हैं। तो चीनी उत्पादों जैसे चाय, रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तनों की मांगों ने व्यापार में असंतुलन की भारी समस्या खड़ी कर दी। पश्चिमी उत्पादों को चीन के बाजार में जगह नहीं मिली, जिसकी वजह से भुगतान चांदी में करना पड़ता था अंग्रेजों को। तो ऐसी कोई वस्तु नहीं थी अंग्रेजों के पास कि वो चीन के जो सामान थे उनके बदले उनको दूसरा सामान दिया जा सके, इसलिए अंग्रेज चांदी में उनका भुगतान करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विकल्प ढूंढा अफीम। तो यह हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बहुत आराम से उगती थी। चीन में अफीम बेचने के जरिए से वे चांदी कमाकर कैंटन में उधार पत्रों के बदले कंपनी के प्रतिनिधियों को देने लगे। इस तरह कंपनी उस चांदी का इस्तेमाल ब्रिटेन के लिए चाय, रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए करती थी। ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच यह उत्पादों का त्रिकोणीय व्यापार था। कांग यूएई और लियांग किचाऊ जैसे क्विंग सुधारकों ने व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की जरूरत महसूस की। उपनिवेश बनाए गए देशों के नकारात्मक उदाहरणों ने चीनी विचारकों पर जबरदस्त प्रभाव डाला। 18वीं सदी में पोलैंड का बंटवारा सर्वाधिक बहुचर्चित उदाहरण था। यहां तक कि 1890 के दशक में पोलैंड शब्द का इस्तेमाल क्रिया के रूप में किया जाने लगा। बुलान वू का मतलब था हमें पोलैंड करने के लिए। भारत का उदाहरण भी सामने था। विचारक लियांग किचाऊ का मानना था कि चीनी लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता लाकर ही चीन पश्चिमी का विरोध कर पाएगा। 1903 में उन्होंने लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी और देश से नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के। कन्फ्यूशियसवाद चीन में प्रमुख विचारधारा रही है। यह विचारधारा कन्फ्यूशियस और उनके अनुयायियों की शिक्षा से विकसित की गई। इसका दायरा अच्छे व्यवहार, व्यवहारिक समझदारी और उचित सामाजिक संबंधों के सिद्धांत का था। इसने चीनियों के जीवन के प्रति रवैये को प्रभावित किया, सामाजिक मानद दिए और चीनी राजनीतिक सोच और संगठनों को आधार दिया। लोगों को नए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन, फ्रांस में पढ़ने के लिए भेजा गया ताकि वे नए विचार सीखकर वापस आएं। 1890 के दशक में बड़ी तादाद में चीनी विद्यार्थी पढ़ने के लिए जापान गए। 1905 में रूस जापान युद्ध होता है। एक ऐसा युद्ध जो चीन की जमीन पर और चीनी इलाके के प्रभुत्व के लिए लड़ा गया था। तो चीन रूसी जापान युद्ध होता है वो चीन के लिए, चीन के क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए लड़ा गया था। तो इस युद्ध के बाद सदियों पुरानी चीनी शिक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई, जो प्रत्याशियों को अभिजात सत्ताधारी वर्ग में दाखिला दिलाने का काम करती थी। जैसे कि हम आज जॉब्स पाने के लिए कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, उसी तरह ये जो प्रथा थी एग्जाम देने की, तो वो चीन में चली आ रही थी, जो 1905 के युद्ध के बाद खत्म हो जाती है। 1911 में मांचू साम्राज्य समाप्त कर दिया गया और सन्यास सेन 1868-25 जीवन काल रहा है इनका।
के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई। तो 1911 में चीन में मांचू जो वंश है वो समाप्त हो जाता है और वहां पर गणतंत्र की स्थापना होती है। संन्यास निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। उनका कार्यक्रम तीन सिद्धांत सन मीन चुई के नाम से मशहूर है। ये तीन सिद्धांत है राष्ट्रवाद, इसका अर्थ होता है मांचू वंश, इसका अर्थ होता है मांचू वंश जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था को सत्ता से हटाना, साथ ही अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना। दूसरा था गणतंत्र, सरकार की स्थापना करना। और तीसरा था समाजवाद, जो पूंजी का नियमन करो और भू स्वामित्व में बराबरी लाई। 4 मई 1919 में बीजिंग में युद्धोत्तर शांति सम्मेलन के निर्णय के विरोध में एक धुआंधार प्रदर्शन हुआ। हालांकि चीन ब्रिटानिया के नेतृत्व में हुई जीत में विजय देश मित्र देशों का सहयोगी था, पर उसे हत्या लिए गए उसके इलाके वापस नहीं मिले थे। जो चीन से विदेशी शक्तियों ने कुछ इलाके छीन रखे थे वो उसको वापस नहीं मिले। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में चीन मित्र राष्ट्रों का सहयोगी देश था, तो यह विरोध किया गया 4 मई 1919 में जो शांति सम्मेलन था, पेरिस शांति सम्मेलन, उसके विरोध में। सन यात-सेन के विचार कुओमिंतांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर, परिवहन, इन चार बड़ी जरूरतों को रेखांकित किया। सन यात-सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई-शेक कुओमिंतांग के नेता बनकर उभरे और उन्होंने सैन्य अभियान के जरिए वालार्स को अपने नियंत्रण में किया, साम्यवादियों को खत्म कर दिया। उन्होंने सेकुलर और विवेकपूर्ण एकलौकिक कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत की, लेकिन साथ ही राष्ट्र का सैन्यीकरण करने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि लोगों को एकताबद्ध व्यवहार की प्रवृत्ति और आदत का विकास करना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को 4 सद्गुण पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया, सतीत्व, रंग रूप, वाणी और काम, और उनकी भूमिका को घरेलू स्तर पर देखने की जरूरत पर जोर दिया। यहाँ तक कि उनके कपड़ों की किनारियों की लंबाई भी प्रस्तावित की गई कि कैसे कपड़े उनको पहनने चाहिए। देश की एकीकृत करने की अपनी कोशिशों के बावजूद कुओमिंतांग अपने संकीर्ण सामाजिक आधार और सीमित राजनीतिक दृष्टि के चलते असफल रहा। 1937 में जब जापानियों ने चीन पर हमला किया, तो ये कब की बात है, जब द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की बात है, जापानियों ने चीन पर हमला कर दिया था। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई। रूसी क्रांति की सफलता ने पूरी दुनिया पर जबरदस्त प्रभाव डाला। लेनिन, ट्रॉट्स्की जैसे नेताओं ने मार्च 1918 में कोमिंटर्न तृतीय इंटरनेशनल का गठन किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तृतीय इंटरनेशनल या कोमिंटर्न की स्थापना कब हुई, तो मार्च 1918 में, जिससे विश्व स्तरीय सरकार बनाई जाए और शोषण को खत्म किया जा सके। कोमिंटर्न और सोवियत संघ ने दुनिया भर में साम्यवादी पार्टियों का समर्थन हासिल किया। माओ सेतुंग जीवन काल ये दिया गया है यहां से 1893-1976 ने सीसीपी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के रूप में प्रमुख नेता रहे। वो क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए एक अलग रास्ता उन्होंने चुना। माओ सेतुंग के अमूल परिवर्तनवादी तौर तरीकों को जियांगसी में देखा जा सकता है। यहाँ पहाड़ों में 1928-1934 के बीच उन्होंने कुओमिंतांग के हमलों से सुरक्षित शिविर लगाए। मजबूत किसान परिषद सोवियत, किसान परिषद सोवियत थी वही, तो मजबूत किसान परिषद सोवियत का गठन किया। जमीन पर कब्जा और पुनर्वितरण के साथ एकीकरण हुआ। दूसरे नेताओं से हटकर माओ ने आजाद सरकार और सेना पर जोर दिया। कम्युनिस्टों की सोवियत की कुओमिंतांग द्वारा नाकेबंदी ने पार्टी को दूसरा आधार ढूंढने पर मजबूर किया। इसके चलते माओ को लॉन्ग मार्च करना पड़ा। लॉन्ग मार्च कब किया गया था, 1934-1935, जो कि सांगसी तक 6000 मील का मुश्किल सफर था। अब उनका नया अड्डा यूनान बन गया। किनका, माओ से, माओ का। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई। यह नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। सर्वहारा की तानाशाही, जिसे कायम करने का दावा सोवियत संघ का था, से भिन्न नया लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन था।
अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए निजी कारखानों और भू स्वामित्व को धीरे धीरे खत्म किया गया। यह कार्यक्रम 1953 तक चलता रहा जब सरकार ने समाजवादी बदलाव का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। 1958 में लंबी छलांग आंदोलन की नीति के जरिए देश का तेजी से औद्योगिकरण करने की कोशिश की गई। लंबी छलांग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1958 में। नेक्स्ट है सर्वहारा की तानाशाही। तो शब्द ये कार्ल मार्क्स द्वारा प्रयोग किया गया था जिसमें यह बल दिया गया कि अमीर वर्ग की दमनकारी सरकार को श्रमिक वर्ग की क्रांतिकारी सरकार प्रतिस्थापित करेगी। मतलब श्रमिक वर्ग दमनकारी सरकार अमीरों को सत्ता से हटा देगी और यह मौजूदा अर्थ में अधिनायक तंत्र नहीं होगा। माओ पार्टी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए जन समुदाय को प्रेरित करने में सफल रहे उनकी चिंता समाजवादी व्यक्ति बनाने की थी जिसकी 5 चीजें प्रिय होंगी, पितृभूमि, जनता, काम, विज्ञान और जन संपत्ति। समाजवादी व्यक्ति की रचना की इच्छुक माओवादियों और दक्षता की बजाय विचारधारा पर माओ के बल देने की आलोचना करने वालों के बीच संघर्ष चला। माओ द्वारा 1965 में छेड़ी गई महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति इसी संघर्ष का नतीजा था जो उन्होंने अपने आलोचकों का सामना करने के लिए शुरू की। पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाजों और पुरानी आदतों के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए रेड गार्ड्स मुख्यतः छात्रों और सेना का इस्तेमाल किया गया। 1978 में पार्टी ने आधुनिकीकरण के अपने 4 सूत्रीय लक्ष्यों की घोषणा की। यह 4 सूत्रीय लक्ष्य थे विज्ञान, उद्योग, कृषि, रक्षा का विकास। 1979 में 4 मई आंदोलन के जब 70 साल हो गए तो इसकी सालगिरह पर बहुत से बुद्धिजीवियों ने बहुत ज़्यादा खुलापन के और कड़े सिद्धांतों को खत्म करने की मांग की कि जो कड़े नियम हैं चीन में और जो बोलने की आज़ादी है वो मिलनी चाहिए। बीजिंग के तियानमेन चौक पर छात्रों के प्रदर्शन को क्रूरतापूर्वक दबाया गया। दुनिया भर में इसकी कड़ी आलोचना हुई। ताइवान का किस्सा, जो लास्ट टॉपिक है हमारा ताइवान। तो चीनी साम्यवादी दल द्वारा पराजित होने के बाद चियांग काईशेक 30 करोड़ से अधिक की अमेरिकी डॉलर और बेशकीमती कलाकृतियों को लेकर 1949 में ताइवान भाग निकले। वहां उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की। 1894-95 में जापान के साथ हुई लड़ाई में यह जगह चीन को जापान के हाथों में सौंपनी पड़ी थी और तब से वह जापानी उपनिवेश बनी हुई थी। कायरो घोषणा पत्र 1943 और पोर्ट्समैन उद्घोषणा 1949 के द्वारा चीन को संप्रभुता वापस मिली। फरवरी 1947 में जबरदस्त प्रदर्शनों के बाद कोमिंतांग के नेताओं की एक पूरी पीढ़ी की निर्ममतापूर्वक हत्या करवा दी गई। चियांग काईशेक के नेतृत्व में कोमिंतांग ने एक दमनकारी सरकार की स्थापना की, बोलने की और राजनीतिक विरोध करने की आज़ादी छीन ली और सत्ता की जगहों से स्थानीय आबादी को पूरी तरह बाहर कर दिया और फिर उन्होंने भूमि सुधार लागू किया जिसके चलते खेती की उत्पादकता बढ़ी। उन्होंने अर्थव्यवस्था का भी आधुनिकीकरण किया जिसके चलते 1973 में कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में ताइवान पूरे एशिया में जापान के बाद दूसरे स्थान पर रहा। अर्थव्यवस्था जो मुख्यतः व्यापार पर आधारित थी लगातार वृद्धि होती गई, लेकिन अहम बात यह है कि अमीर और गरीब के बीच का भी अंतराल लगातार घटता रहा। ताइवान एक लोकतंत्र में रूपांतरण और भी नाटकीय रहा कि किस तरह ताइवान में लोकतंत्र बना। यह 1976 में चियांग की मौत के बाद धीरे धीरे शुरू हुआ। 1887 में जब फौजी कानून हटा लिया गया, विरोधी दलों को कानूनी इजाजत मिल गई, तब इस प्रक्रिया ने गति पकड़ी। तो यहाँ पर 1987 होना चाहिए। पहले स्वतंत्र मतदान ने स्थानीय ताइवानियों को सत्ता में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। राजनीतिक स्तर पर अधिकांश देशों के व्यापार मिशन केवल ताइवान में ही हैं। उनके द्वारा ताइवान में पूर्ण राजनीतिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं क्योंकि ताइवान को चीन का ही एक हिस्सा माना जाता है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी थी, समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, परंतु अगर आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।